संसार मेरे आदेश पे चलता है, दिन रात रहती है मौज, 12 महीने व 7 दिन। ताक सा कंपा दिया है, कंपा सर लोक और असु धाम को, जानते हैं जग में सब स्वभाव वीर के नाम को। बहुत खूब बारिच। यह वनों में धुआं कैसा उठ रहा है? भैया सुबाहु, मेरे गुप्तचरों से पता चला है, मुनि विश्वामित्र अपने मुनियों के साथ जंगल में यज्ञ कर रहा है। क्या कहा? जंगल में यज्ञ कर रहा है? तो सोचते क्या हो? सेनापति, सेना तैयार करो और जंगल की तरफ कूच बोल दो। क्या आज्ञा महाराज। आदित्यासो भवन्तु नः। ओम विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये, वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये, देवा अवन्तरि भव स्वस्तये, स्वस्ति नो रुद्र। मारीच, देख रहे हो इस बूढ़े की करतूत? देख रहा हूँ भैया, ये बूढ़ा खाने वाले घृत को अग्नि में डाल रहा है। और आप तो जानते हैं मुझे रक्त और मांस खाने में कितना आनंद आता है। सोचते क्या हो? आप कहो इस बूढ़े के साथ ये मुनियों की हड्डियां भी चबा जाऊं? ये तुच्छ है, हमने तो कितनों को खाया, ये भी स्वादिष्ट होंगे। राक्षसो, तुम क्या सोचते हो? ये खाने वाले घृत को अग्नि में डाल रहा है,
तुम भी अपना हवन करो मनियों को अग्नि में डालकर। देखते क्या हो? दुष्टो, तुम्हारा इतना दुस्साहस, अब तुम ऋषि मुनियों का तप और यज्ञ भी भंग करने लगे। विश्वामित्र जी पधारे हैं। क्या कहा? देव ऋषि विश्वामित्र जी पधारे हैं। जी महाराज, हम उन्हें स्वयं लेने जाएंगे। करी दंडवत मुनि सनमारी, हरी दंडवत मुनि सनमारी, निज आसन बैठा रही आनी। करी दंडवत मुनि सनमारी, निज आसन बैठा रही आनी। मुनि विश्वामित्र के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो राजन। उठो राजन। आइए ऋषिराज। अभिनंदन जामदग्न, अभिनंदन। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण स्वामी। आइए आसन ग्रहण कीजिए। आइए आसन ग्रहण कीजिए। ऋषिराज, आपके अयोध्या पधारने से हमारी अयोध्या नगरी धन्य हुई। कहिए, आपके इस दास के लिए क्या आज्ञा है? राजन, तुम तो जानते ही हो, हम ऋषि मुनि कंदराओं में रहकर एवं घने जंगलों में रहकर अपना जीवन तप और प्रभु की भक्ति में रखते हैं। किंतु पिछले कुछ समय से सुबाहु और मारीच नामक दो राक्षस आकर हमें सताते हैं। राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं दुख मुझे निशाचर देते हैं। यज्ञ कुंड पूजा सामग्री सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। फिर मैं यदि उनसे युद्ध करूं तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धनवा लेना लड़ूंगा मैं, ये प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से राजन अकुलाया हूं, घबराया हूं। रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूं। तुम अपने पुत्र राम लखन दो सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें तुमको पुण्यशु यश कल्याण हर्ष उन दोनों को। विश्वामित्र तो मांगते मानो तन। हे मुनिवर, दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान मेरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, है लड़ने में अनजान निरे। लो राज पाठ संपत सेना, सब कुछ देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो स्वयं चलूं,
इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पित है, जितने साधन शासक के हैं, पर प्रभु विचार कर कथन कहें, सुत चारों चौथे पन के हैं। दशरथ, तुझे से ज्ञानी को बच्चों में इतनी ममता, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतनी बातें कुछ दिवस उनको देने में इतनी बातें यदि आज विष्णु उससे कहता तो चलते थे छोड़ क्रूरवान, शंकर से यदि विनय करता तो हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे भिक्षा ये, इसलिए तुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझको भी मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार थे, खाली हाथ ही लौट जाते हैं। ठहरिए ऋषिराज, राजन पुत्र मोह में पड़कर इस तरह की बातें कर रहे हैं। ऋषिराज, मैं इन्हें फिर एक बार समझाने का प्रयास करता हूं। राजन, ये समय पुत्र मोह में पड़ने का नहीं है। क्या आप नहीं जानते, विश्वामित्र स्वयं अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता है। आप अपने दोनों पुत्र निसंकोच ने सौंप दीजिए, ये आपके पुत्रों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दीक्षा भी देंगे। भय रहित रहे और अपने दोनों पुत्र विश्वामित्र को सौंप दें। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। सुमन जी। जी महाराज। जाइए, राम और लक्ष्मण को ले आइए। जो आज्ञा महाराज। मागो देनु धन पोता, सर्वस देवो आज सहरो सा। इति मंगल भावनाया मंग लक्ष्मण, पुत्रों, मैंने तुम्हें विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा हेतु बुलाया है, और तुम्हारा यही धर्म है कि तुम अपने प्राणों की रक्षा किए बगैर इनके यज्ञ की रक्षा करो। जो आज्ञा पिताश्री। आओ पुत्रों, आओ। लो हाथों में हाथ नाथ इनका, ये दोनों भोले भाले हैं, पर इतनी विनती याद रहे भगवान, बड़े नाजों से इनको पाले हैं। हम अपना प्रण निभाएंगे, तेरा धन ध्यान राजन, हम ब्याज सहित लौट आएंगे। सौंपे भूपुरी सिंह नमो नारायण स्वामी। नमो नारायण। बहुविधि देही असी, जननी भवन गए प्रभु चले। गुरुदेव, ये स्थान तो बड़ा ही विचित्र है, और यह दुर्गम पैरों के निशान किसके हैं? पुत्र राम, यहां पहले एक सुंदर राज्य हुआ करता था,
जो सुख और समृद्धि की प्रकाष्ठा पर था, परंतु जब से ब्रह्मदेव ने ताड़का को श्राप दिया है और उस दुष्टनी ने यहां पर वास किया है, यहां पर मनुष्य क्या कोई जीव जंतु भी वास नहीं कर सकता। पुत्र यही ताड़का वन, जैसे ही ताड़का का नाम लिया राम ने, वैसे ही आ गई वो स्वयं प्रभु के सामने। Ha ha ha!
दीना। एक ही बाण प्राण हरि वीरा, दीन जान ते ही निज पद दीन, दीन जान ते ही निज तब ऋषि निज नाथ हिरिए दी, तब ऋषि निज नाथ हिरिए ये क्या, ये तो हमारी माता ताड़का है। ओ बालको, तुम्हारी कुशलता इसी में है, अपने अपराधों की क्षमा मांगो और चले जाओ इस वन को छोड़कर। क्यों इस बूढ़े की बातों में आके अपने प्राण गंवाना चाहते हो? बस ये सब बेकार, अब लक्ष्मण और नहीं सह सकता। जो व्यापे चांद से अग्नि, चढ़े अंगार बादल से, वहीं पर आग गिरे सूरज चाहे आकाश मंडल से, बलाओं की भी हो वर्षा तो अपने सिर पर लेते हैं। हम ऐसे वीर हैं जो काल से भी कुश्ती लड़ लेते हैं। ओ, सिर उठाने की जो हिम्मत, वार की सार नजर आएगा उसका नोक पर तलवार की। अरे दुष्ट राक्षस, गिरी पर्वत चूर चूर होगा, धरती थर थर कांपेगी, जिस समय वीर लक्ष्मण की विजय कमान खिंच जाएगी। बाणों की भी होगी वर्षा, सब जग जलमय हो जाएगा, और तुम जैसे राक्षसों का रक्त भी उस जल में विलीन हो जाएगा। करेगा जो ज्यादा बकबक, पटक कर धरती पे जी भाग करी निकाल लूंगा। अरे जाके छुपेगा भूमंडल में, पलट के भूमि निकाल लूंगा। हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय रूपी सिंह तुम जैसे मृगों को ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। ओ, एक अबला को मार कर उछल रहे हो रणबीच, अब कहां जाओगे बचकर? आप पहुंचा मारीच। राजा दशरथ के पुत्र है और तुम हमारी प्रजा हो। तुमने इन वनों में बहुत ही उत्पात मचा रखा है, जिस कारण तुम्हें दंड देने हेतु हम यहाँ आए हैं। बातें करते हो, बच्चे हो, बड़े हो वीर तो युद्ध करो। मारीच को मारकर ज्यादा अभिमान में ना भूल, भूल जाएगा एक घड़ी में चलाना तीर का, पड़ गया आज सुभाव वीर का। ले मेरे खड़कने पर हाथ को सवाल। बहुत विघ्न डाले धार्मिक कार्यों में ऋषि मुनियों के बहुत, अब सहाय हो गया तुमको हमारा बाण है। वास्तव में यह तेरी मृत्यु का सामान है। ज्यादा वार्तालाप पे समय ना व्यर्थ कर। दिन भर बाण राम ते ही मारा, सतयोजन का सागर पार, पावक सर
नर शोभा ने मारा अनविन सागर कंठ संहारा। जय सियाराम। बहुत सुंदर।